राजस्थान में खुलेंगे नए पुलिस कार्यालय, साथ ही थाने और चौकियां। सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए पुलिस कार्यालयों, थानों एवं चौकियों को खोलने की मंजूरी दी है। गहलोत ने कार्यालयों के लिए 1369 पदों के सृजन और आवश्यक संसाधनों के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। गहलोत के निर्णय से वैर भरतपुर, परवस्तर, नागौर, खेरवाड़ा, उदयपुर, ADF धौलपुर, लालसोट, दौसा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। इन कार्यालयों हेतु प्रति कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक एवं कनिष्ठ सहायक के एक एक तथा कांस्टेबल में ड्राइवर के 3-3 पद, कुल 30 पद सृजित होंगे। इसी प्रकार अरनौद, प्रतापगढ़, तालेड़ा, बूंदी, पहाड़ी भरतपुर, गंगाशहर, बीकानेर, रामसर, बाड़मेर, बोली, सवाईमाधोपुर, खंडेला, सीकर, अजीतगढ़ सीकर, शिवाना, बाड़मेर एवं आहोर, जालौर में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। इनके लिए उप पुलिस अधीक्षक, हेड कांस्टेबल एवं कनिष्ठ सहायक के एक एक तथा कांस्टेबल में ड्राइवर के 4-4 पद, कुल 63 पद सज्जित होंगे। नए शहरी और ग्रामीण पुलिस थाने वैशाली नगर, अलवर, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर, श्रीनाथ जी राजसमंद, गोकुलपुरा सीकर एवं सदर पुलिस थाना बयाना भरतपुर में नवीन शहरी पुलिस थाने खुलेंगे। खुलेंगे 3 महिला पुलिस थाने, 38 नवीन पुलिस चौकियां भी। महिला पुलिस थाना डीडवाना नागौर, महिला पुलिस थाना नावा नागौर एवं महिला पुलिस थाना कोटपुतली जयपुर के लिए प्रति थाना उपनिरीक्षक का 1, सहायक उपनिरीक्षक के 4, हेड कांस्टेबल के 3 एवं कांस्टेबल मय ड्राइवर के 22 पद, कुल 90 पद सज्जित होंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 38 नवीन पुलिस चौकियां भी खोली जाएगी। प्रति चौकी उपनिरीक्षक का 1 एवं कांस्टेबल के 6 पद सज्जित किए जाएंगे। इस प्रकार इन नवीन पुलिस चौकियों में कुल 266 पद सज्जित होंगे। इन पुलिस कार्यालयों, थानों एवं चौकियों के सृजन से प्रदेश में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। खासखबर.com के लिए सत्येंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।